प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके डिटेल राशिफल के साथ साथ आपकी परेशानियों के उपायों के साथ साथ आपकी शादी में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए बिना किसी खर्च वाले उपाय के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। और इन सब बातों को पूरी तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहिए। जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना डिटेल्ड दैनिक राशिफल लेकर। सबसे पहले परमपिता परमात्मा के द्वार जो सभी मनुष्यों, देवताओं के लिए, सभी जीवों के लिए खुलने वाले हैं, उसका समय रहेगा 6:39 से लेकर 8:26। ये सुबह का समय है। आज है विक्रम संवत 2077, 29 अक्टूबर सन 2020, गुरुवार का दिन है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज आसमान में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विराजमान होगी वो है 6:31 से लेकर 7:54 सुबह के समय। आज आसमान में हर्षण नामक योग और उत्तराभाद्रपद नामक नक्षत्र रहेगा। इसका उदय ऑलरेडी हो रखा है। और जो राहु काल है वो रहेगा 1:28 से लेकर 2:51 दिन के समय में। और जो अभिजीत मुहूर्त यानी जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 11:42 से लेकर 12:27 दिन के समय। तो इसके अनुसार आप अपने शुभ कर्मों का और षट कर्मों का निर्धारण कर सकते हैं और इसके अनुसार काम कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, जो हमारे ग्रह हैं, जो आसमान में नित्य प्रति अपनी स्थिति को थोड़े थोड़े समय पश्चात चेंज करते रहते हैं, क्योंकि सब चीजें घूम रही हैं आसमान के अंदर, तो उनका जो परिवर्तन है वो हम ही लोगों के लिए, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दंड देते हुए ये हमारे कुंडली के, जन्म कुंडली के या गोचर कुंडली का है तो गोचर कुंडली के विभिन्न भागों में विराजमान होकर हमारे अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्मों के लिए बुरा दंड देते हैं। तो कोई भी बुरा कर्म करने से पहले 100 बार सोचे, हमें कोई बुरा कर्म नहीं करना है ताकि अगले किसी जन्म में या इसी जन्म में हमें उसका दंड किसी बहुत बड़ी सजा के रूप में ना भुगतना पड़े। पता चला हम अंधा, अंधे, लंगड़े, लूले, भिखारी बनकर फुटपाथ पर जन्म लें अपने कर्मों की वजह से और उसके बाद भी दंड ही दंड भोगें, या फिर किसी अमीर परिवार में राजसी ठाटबास के साथ समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए बचपन से जन्म। तो ये आपने निर्धारण करना है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करके आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी सनातन धर्म को आपके पूर्वज निरंतर आगे बढ़ाते रहे थे। एक जगह सुन के आते थे, 100 लोगों को बताते थे कि आज हमने फलाने महापुरुष से ये बात सुनी थी, जिसकी वजह से हमारा जो सनातन धर्म 1100 वर्ष की गुलामी के बाद आज भी समस्त विश्व का गुरु बनकर खड़ा हुआ है और समस्त विश्व को मदद कर रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सभी का भला कर रहा है। इसीलिए बड़ी आशा की दृष्टि से पूरे विश्व के लोग हमें निहारते हैं, हमारे देश को निहारते हैं, हमारे संतों ऋषियों को निहारते ताकि वो उनसे मदद ले सकें। मेरे खुद के पास आप लोगों की वजह से 133 देशों के लोग समय समय पर आकर अपनी परेशानियों का हल ढूंढते रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क करते रहे, फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से संपर्क करते रहे। आप भी इस सुविधा का लाभ उठाकर हमारी मदद ले सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या हमारी जो मोबाइल ऐप है एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी, इसके थ्रू। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, मैं प्रारंभ करता हूँ आपका मेष राशि के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशानी अभी भी आपको बनी रहेगी, आपका आत्मबल में निरंतर कमी आएगी, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, सावधान रहें, सतर्क रहें। मंगल देवता का तांत्रिक बीज मंत्र यहाँ आपको बहुत लाभ देगा, या मूंगे की अंगूठी आपको निरंतर
पूरे जीवन भर आगे बढ़ाने के काम आएगी। आपके राशि का रत्न है, हमेशा फायदा करेगा। हर 3 वर्ष बाद इसे बदलते रहे, और जब भी पहने प्रॉपर मंत्र सिद्ध, किसी ज्ञानी विद्वान पुरुष से जिसे मंत्र सिद्ध करना आता हो उसी से मंत्र सिद्ध करा कर पहने। अगर ऐसी अंगूठी नहीं मिल पाती तो आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ परिवारजन कुछ उलझने आपके जीवन में खड़ा कर सकते हैं। स्टूडेंटों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं निकला तो बिना किसी चीज के हमारी मदद लेकर वो फोकस कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई में, और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम गारंटी से उनका हर साल पहले से ज्यादा नंबर दिलाने के लिए और उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए आपकी गारंटी से लिख के दे सकते हैं, मदद करेंगे। यहाँ पर जो मेष राशि वाले उनको कुछ फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इम्पोटेंसी से संबंधित समस्या खड़ी हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके लिए, आपके जीवन साथी की वजह से एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है, नौकरी प्रमोशन इंक्रीमेंट इंटरव्यू में सफलता जैसा कोई शुभ सूचना सरकार की नौकरी की या मनचाहे ट्रांसफर की आपको प्राप्त हो सकती है, इंक्रीमेंट प्रमोशन की प्राप्त हो सकती है, इसके लिए प्रयास करें। और साथ ही साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा, उनसे झगड़ा करने का प्रयास मत करिएगा, वो हो सकता है आपके ऊपर क्रोधित हो, मगर आप सिचुएशन को संभालने का प्रयास करें। बात करूंगा आपके भाग्य की तो भाग्य फुल टू फुल आपको सपोर्ट दे रहा है। नौकरी और कार्यस्थल के हालात आपके फेवर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, उनका लाभ उठाने का प्रयास करें। इस समय आप जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए, ताकि आपकी आमदनी भी उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ती रहे, या अपने काम धंधे को बढ़ाने का प्रयास करिए। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ यात्रा से संबंधित जो बात है उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है तो सावधान रहें, व्यर्थ की यात्रा से बचने का प्रयास करें। साथ ही साथ अगर प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है तो आप अपने प्रेम संबंधों के लिए परेशान मत होइए, ये आपका खुशी का दौर है, आप मौके पर चौका लगाने की तैयारी कर अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, आपको अवश्य लाभ होगा आपका। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके साथ उनका जीवन साथी थोड़ा सा रोमांटिक रहकर उनको मदद दे सकता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि आपके हालात हैं, कुछ उलझने आपका पीछा निरंतर नहीं छोड़ेंगी पूरे साल, तो आपको इसका उपाय करना ही चाहिए। तो यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा हेसोनाइट की एक अंगूठी के लिए मंत्र सिद्ध प्राण प्रति से जागृत कराकर अपने राशि रत्न की अंगूठी के साथ अवश्य धारण करें, इससे आपको आराम आएगा। जो माता का आशीर्वाद लेकर अगर जो स्टूडेंट पढ़ने बैठेंगे तो उनको थोड़ा सा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। माता के साथ थोड़ी सी परेशानी आ सकती है स्वास्थ्य संबंधित, तो उसका विशेष रूप से ख्याल रखें। आपके परिवारजनों के साथ भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, उनका भी विशेष रूप से ख्याल रखें। स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में फोकस करें क्योंकि उनका ध्यान विपरीत सेक्स की तरफ भाग रहा है। माता पिता के कृपया अपने बच्चों को इस विशेष रूप से ध्यान दें, और अगर उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तो हमारी गारंटी वाले उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सा क्रोध वाला हो सकता है, सावधान रहें, सतर्क रहें। और जीवन साथी की सलाह मानकर हो सकता है आप अपनी आमदनी में कोई नुकसान कर लें, तो उनकी सलाह इस समय ना मानना ही, आमदनी से संबंधित कोई सलाह है, कार्य से संबंधित कोई सलाह है तो ना मानना ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको सोशल पद से भी मदद मिलती हुई नजर आ रही है, भाग्य आपके भरपूर साथ है, किंतु आमदनी का जो ग्रह है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ आपको आमदनी से संबंधित रत्न की अंगूठी भी मन से प्राण प्रति से जागृत कराकर धारण कर लीजिए। आमदनी में शुरुआत में की गई यात्रा आपके लिए शुभ फल दे सकती है, किंतु लेट स्टार्ट की गई यात्रा आपको कोई फायदा देने में सफल नहीं हो सकेगी। और यहाँ पर अचानक से आपकी आमदनी बढ़ने की संभावना भी हो सकती है आपके जीवन साथी की वजह से, मतलब लकीली नॉट कि मतलब आपकी उनकी सलाह माननी। तो यहाँ पर मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में बात करना चाहूँगा, तो आपके प्रेम संबंध बहुत मतलब डिजायरस है, बहुत ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा करना आपके लिए अभी जायज नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों के बारे में जिनकी संतान नालायक है, उनका अपमान करती है, तो ऐसे सभी माता पिता अपनी संतान को कंट्रोल करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटा सा उपाय करके अपने खून के इस रिश्ते को या खून के किसी भी रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली या चेहरे के माध्यम से उपाय करके। आप ये उपाय घर बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ
मिथुन राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाली व्यक्तियों जैसा कि है कि चिंता आपका पीछा पूरे साल छोड़ने वाली नहीं है। आप लगातार चिंतित रहेंगे, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, सावधान रहें, सतर्क रहें। और आपको राहु के लिए उपाय करना ही चाहिए, तो राहु का किया गया उपाय आपके लिए बड़ा लाभदायी होगा और आपको हिम्मत देगा, साहस देगा, चिंताओं से मुक्ति कराने में मदद देगा। और यहाँ पर जो आपके माता के साथ आपको कुछ अड़चन आ सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें, उनको नाराज करने का प्रयास ना करें। अगर उनको नाराज करेंगे तो आप ही को नुकसान होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंटों से निवेदन करूँगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी प्रारंभ करने से पहले आप एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाकर चेक कर लें, किसी योग्य व्यक्ति से जन्म कुंडली दिखाकर चेक करा लें कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। पता चला आप अपनी जिंदगी के 6 महत्वपूर्ण साल या 5 या 4 साल या 3 साल ही मान लीजिए केवल सरकारी नौकरी की तैयारी करने में ही निकाल देते हैं। मेरे पास तो 10 साल से तैयारी कर रहे लोग भी आते हैं और पता चलता है कि उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग ही नहीं था और उन्होंने अपने ये 10 साल, 10 जिंदगी के महत्वपूर्ण साल, देश की महत्वपूर्ण ऊर्जा एक युवा व्यक्ति में ही होती है ना, तो युवा आजकल युवा व्यक्ति ही सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो वो युवा व्यक्ति चाहे वो लड़का है या लड़की है, 10 महत्वपूर्ण साल, 8 महत्वपूर्ण साल या 3 महत्वपूर्ण साल जिंदगी के बर्बाद कर देता है, संसाधनों को, अपने माता पिता के पैसे को बर्बाद कर देता है और बाद में पता चलता है कि उसकी जिंदगी में सरकारी नौकरी का योग ही नहीं था, तो आप जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं। और यहाँ आपका जीवन साथी निश्चित रूप से आपको भरपूर मदद करता हुआ नजर आ रहा है, आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। और जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई तो उनकी शादी होने की संभावना भी स्पष्ट रूप से मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। यात्रा करते समय चोरी ठगी इत्यादि से बचने का प्रयास करें। अपने किसी जानकार की मृत्यु के समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य की, तो भाग्य का सितारा इस समय खराब है। भाग्य के रतन की अंगूठी अपने राशि रतन की अंगूठी के साथ पहनना, अपने आमंदी के रतन की अंगूठी के साथ पहनना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। कार्य के सिलसिले में की गई यात्रा आपको शुभ फल दे सकती है इस समय, तो आप कर डालिएगा। और सावधान रहिएगा कि आपकी आमंदनी मतलब आप जो कार्यस्थल पर चाहे ऑफिस की बात करें चाहे व्यापार की बात करें उसमें शोशेबाजी में आप अपना धन खराब ना करें, धन की हानि से बचने का प्रयास करें। और साथ ही साथ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों में इन दिनों कुछ अड़चन आती दिखाई दे रही, तो जो युवक युवतियाँ प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके लाभ उठा सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा हमसे मदद ले सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। यूट्यूब पे देखते देखते मैंने गुरु माँ के वीडियो देखा, गुरु माँ ने अच्छा अच्छा बात बताते थे और वहाँ से मैंने नंबर लिया, अपॉइंटमेंट बुक किया और गुरु माँ से मेरा बात हुआ। गुरु माँ को अपना जन्म कुंडली देखा है, जन्म कुंडली देखने के बाद गुरु माँ ने बताया सारा ग्रह आपका खराब है और मैं अपना परेशानी बताया, ठीक। तो गुरु माँ ने बोले क्या, एक लॉकेट संगीत धारण कर लो, फिर इसके बाद देखना सब दुख दूर हो जाएगा। इसलिए मैं लॉकेट गुरु माँ से लिया और मैं अभी अच्छा हूँ और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा हूँ और अच्छा रिजल्ट से पास भी किया हूँ। पहले इससे पहले बहुत टेंशन भी रहता था, मन अच्छा नहीं लगता था, पैसा वैसा बहुत खर्चा होता था और इतना भी खर्चा नहीं होता। किसी को भी जो परेशानी है गुरु माँ के पास एक बार अवश्य जाइए और अपना परेशानी बताइए, गुरु माँ सब उपाय बताते हैं। और बाहर में बहुत सारा आदमी ठगने वाला भी मिलता है, उसके लिए विश्वास कीजिए, गुरु माँ को विश्वास कीजिए, जरूर होगा। देखो जब मेरा लॉकेट भी देखो गुरु माँ ने दिया, पेन रखे हैं, जय शनिदेव। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कर्क राशि वाली व्यक्ति के बारे में। कर्क राशि वाली व्यक्ति जैसा कि स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे कि आपका जो समय चल रहा है वो आपके भाग्य में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है आज। और जो आपके परिवारजन है आपकी माता के साथ मिलकर कुटुंबजन आपको एक नौकरी प्रमोशन एंगेजमेंट जैसी सूचना की तरफ ले जा सकते हैं, सरकारी नौकरी या सरकारी इंटरव्यू जैसी सूचना भी आने वाले दिनों में आपको प्राप्त हो सकती है। इन दिनों आपका ये ग्रह बलवान चल रहा है और यहाँ पर जो माता का आशीर्वाद भाई बहनों के साथ मिलकर आपके साथ मिला हुआ है, किंतु भाई बहनों के साथ कुछ अड़चन आ सकता है।
तो माँ के साथ मिलकर आप उस अड़चन को दूर करने का प्रयास करें। खून के रिश्ते को हमेशा ठीक रखना चाहिए, चाहे कोई सा भी खून का रिश्ता क्यों ना हो, उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। और जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ जैसी चीजों की तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं और लगभग पूरे साल उनका मन इसी तरीके से बेचैन रहेगा। तो जो स्टूडेंट है कर्क राशि वो विशेष रूप से ख्याल रखें, अगर करियर को आगे बढ़ाना है तो आपको मन फोकस पढ़ाई लिखाई में लगना ही चाहिए, तो उसके लिए आपको उपाय करने ही चाहिए, अपने ग्रह को मजबूत करना चाहिए ताकि आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगे। हम गारंटी से आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगा देंगे, छोटा सा उपाय करके जो साल में एक बार करना होता, और आपके हर साल पहले से ज्यादा नंबर भी आया करेंगे। यहाँ पर आपका जीवन साथी आपको भरपूर मदद करता हुआ नजर आ रहा है, और जिन लोगों की शादी की बात चल रही है उनको शादी की संभावना भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस समय आपका शादी के सिलसिले में अगर आपकी शादी नहीं है तो प्रयास करना सार्थक हो सकता है। मगर यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, भाग्य के हालात आपको एक यात्रा की तरफ ले जा रहे हैं जो आपको शुभ फल दे सकती है, किंतु यहीं पर ही जो आपके नौकरी या कार्य का या व्यापार का जो ग्रह है वो आकर खराब होकर बैठना थोड़ा आपके कार्यस्थल पर थोड़ी प्रॉब्लम ला सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस ग्रह से संबंधित या तो आप मंत्र वो इनके मंत्रों का विधिवत जाप करें, हमें ईमेल कर दें, हम आपको विधि विधान बता सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आमदनी में आ रही अड़चन को भी दूर करने का प्रयास करें, अगर आमदनी में इसी तरह अड़चन बढ़ी रहेगी तो आपको ही दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पूरे साल से भी ज्यादा समय आपको आमदनी में आने वाले दिनों में अड़चन बनी रहने की संभावना है। और आप अपने भाई बहनों की निरंतर मदद लेकर, अपनी माता का आशीर्वाद लेकर अपनी आमदनी में वृद्धि करने का प्रयास करें। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो थोड़ी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है अपने प्रेम संबंधों में, क्रोध का समावेश तोड़फोड़ का समावेश ना होने दें, अन्यथा आप ही को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ मैं बात करता हूँ अगर आपको प्रेम संबंधों को लेकर परेशानी हो रही तो आपको कोई बकरे मुर्गे उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय साल में एक या दो बार करके आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े उनको दूर कर सकते हैं, घर वाले अगर शादी के लिए नहीं मान रहे तो उनको भी मना सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, सिंह राशि वाले व्यक्ति आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, भाई बहन इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं, उनकी मदद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो आपके परिवारजन हैं वो भी भाई बहनों के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, किंतु जो परिवारजन है ना उनका क्रोध जो है वो थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा, और उनको और अधिक क्रोधित होने का मौका बिल्कुल भी मत दीजिएगा, उनका आशीर्वाद देना आपके लिए हितकारी रहेगा। माता का बिहेवियर भी थोड़ा क्रोध वाला रहेगा, सावधान रहें, उनके क्रोध से बचने का प्रयास करें। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगता हुआ नजर आ रहा है, तो अपनी जितनी मेहनत करेंगे इन दिनों, मैं सभी सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बात कर रहा हूँ, अभी कुछ समय के लिए आपका समय सही है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो आप फोकस पढ़ाई लिखाई पर करके अपने कैरियर को बनाने का प्रयास करें। अगर इसमें हमारी कोई मदद की जरूरत है तो हम गारंटी से आपकी हेल्प कर सकते हैं सभी लोगों के लिए। यहाँ पर अपने जीवन साथी के और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जीवन साथी के साथ अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, अगर कोई आपकी शादी नहीं हुई है और रिश्तों की कोई बात चल रही है तो वहाँ पर भी आपको अड़चन स्पष्ट रूप से महसूस होगी। तो ऐसे सभी युवक युवतियाँ जिनको शादी से संबंधित रुकावट आ रही है, तो उनके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रॉपर अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उपाय करें, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर ही दिया होता है, लिखा होता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से ग्रह प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्या कमी है जो कि ऐसे शादी नहीं हो रही है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष जन्म कुंडली को देखेगा, जिसे जन्म कुंडली देखना आता है, अब ये मत सोचिएगा मंदिर में बैठने वाला हर पंडित जन्म कुंडली देखना जाता है, ऐसा नहीं होता, वो पारंगत होते हैं, मास्टर होते हैं पूजा पाठ के, यज्ञ हवन के, नामकरण के, लेकिन जन्म कुंडली में हार्डली 10% जो मंदिर के ब्राह्मण हैं वो रुचि रखते हैं देखने, वरना बाकी लोग तो रुचि रखते ही नहीं, आप जबरदस्ती पीछे पड़ते तो वो कुछ भी आपको बता सकते। तो आप किसी योग्य व्यक्ति को जन्म कुंडली दिखाकर लाभ उठाने का प्रयास करें। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कोई अनावश्यक यात्रा से बचने का प्रयास करें, आपको परेशानी खड़ी हो सकती है, सावधान रहें, लेकिन बाद में अगर ये यात्रा होती है तो फिर भी आपके लिए सफल ला सकती है। यहाँ पर जो आपका भाग्य का ग्रह है वो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको हमेशा अपने राशि रत्न की, भाग्य के रत्न की, आमदनी के रत्न की अंगूठी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर धारण करनी चाहिए, क्योंकि आमदनी का ग्रह भी साफ नहीं दे रहा, कार्यस्थल पर भी आपको लगातार रुकावटें अड़चन आ रही है, आपके हर कार्य में अड़चन आ रही है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं,
आपको अड़चनी अड़चन आएगी। तो और ये पूरे साल इस ऐसी ही स्थिति बनी रहने वाली है, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और राहु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की माला नेत्रपति करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। विधि विधान अगर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ईमेल करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि आपके कार्यस्थल पर और आपके घर पर दोनों ही जगह पर कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसे शत्रुओं से सावधान रहें। अगर इस विषय में शत्रुओं को बांधने के लिए हमारी मदद की जरूरत है तो बिना किसी जगह एक स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क करिए, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर मैं बात करना चाहता था आमदनी के बारे में, तो जो बता ही चुका हूँ कि वो आपके लिए इस ग्रह ठीक नहीं है, इसलिए मैं आमदनी के रत्न की भी अंगूठी आपको बताइए। आप ये अंगूठी हमारे यहाँ से भी पूजा पाठ करवा कर मंत्र सिद्ध करवा कर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, आपके लिए तो खुशियां पूरी तरीके से खुशियों का कारपेट बिछा हुआ प्रेम संबंधों को लेकर, तो आप एंजॉय करिए अपने प्रेम संबंधों को। फिर भी जो लोग प्रेम संबंधों को लेकर दुखी हैं बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। बात करूंगा कन्या राशि वालों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैंने जैसा कि आपको वायदा किया था इस वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, तो मैं ये उपाय बता रहा हूं विशेष रूप से कन्याओं के लिए। जो कन्या मतलब जो लड़कियां शादी ना हो पाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, रिश्ते वाले आते हैं ठुकरा कर चले जाते हैं, बार बार अपमानित होना पड़ता है, तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए आप सुबह नित्यपति सुबह स्नान के पश्चात एक माला इस मंत्र की जो मैं बताने जा रहा हूं उसका जाप करें। ओम नमो कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरु ते नमः। तो इस मंत्र का आप बार बार सुन के इसे नोट कर लें और एक माला नित्यपति करें तो आप शीघ्रता शीघ्र आपकी विवाह में आ रही, क्योंकि यहाँ तो भगवान हमने बसीदा ही माता गौरी को याद किया है, उनसे प्रार्थना करिए एक सुंदर सा पति देने के लिए, तो माता अवश्य अपना आशीर्वाद देंगे और सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर आपको शादी की तरफ ले जाएंगी। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा विलंब हो रहा है तो आप पहले जन्म कुंडली भी अवश्य दिखा लें। तो हम बात कर रहे थे कन्या राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। तो कन्या राशि वाली व्यक्तियों, देखिए आपका मन जो है निरंतर विपरीत सेक्स की ओर बहुत बुरी तरीके से आकर्षित है, सुबह शाम जैसे कहते हैं भूत चढ़ गया इस समय आपको विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण, उस स्थिति से बाहर आइए वरना आपको ही आत्मग्लानी होगी, आपको ही परेशानी होगी। यहाँ आपके लिए एक चांस है नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू में सफलता, मगर ये चांस जो है या सरकारी नौकरी से संबंधित ये आपके परिवारजनों की मदद से ही संभव हो पाएगा, तो उनको नाराज करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, उनको खुश रख के इस चांस को बनाने का प्रयास करिए, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने में आपको निश्चित रूप से मदद की प्राप्ति होगी। अपनी मानसिक स्तर को भी ठीक करेगा, आपकी बुद्धि इस समय ठीक कार्य नहीं कर रही है, मैं सभी कन्या राशि वाली व्यक्तियों से बात कर, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करिएगा क्योंकि विपरीत घूमता हुआ भी मैं गए जो बुद्ध देवता वक्री हो रखे हैं वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। वैसे तो मैं आप सभी लोगों से हमेशा कहता हूँ आप सदैव अपने पन्ने की रतन की मंत्र सिद्ध पाठ पत्र से जागृत कराकर अंगूठी अपने भाग्य के रतन की अंगूठी के साथ और अपनी आमदनी के रतन की अंगूठी के साथ सदैव धारण करके रखिए और 3 साल वर्षवादी ने बदलते रहिए और नई सिरे से मंत्रित अंगूठी नई बनवाकर, तो निरंतर आप तरक्की की नई नई ऊंचाइयां तो पहुंचते रहें, परेशानियां वैसे ही छूमंतर होती चली जाएंगी आपके सामने आते। तो भाई बहनों के क्रोध से भी बचने का प्रयास करें, भाई बहन भी आपको थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकते हैं, सावधान रहें। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई में मन लगा सकेंगे बहुत आसानी से, कोई अड़चन नहीं है। किंतु जो स्टूडेंट फिर भी कम नंबर लाते हैं या जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, वो हमारी गारंटी वाला उपाय जो हम देते हैं उसकी मदद ले लें, उसे एक बार करना होता साल में तो आपकी गारंटी से हर साल पहले से ज़्यादा नंबर आएंगे और आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। यहाँ आपके जीवन साथी के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, तो उनके क्रोध से बचने का प्रयास करिएगा, उनके साथ कोई यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। और बात करूंगा भाग्य के हालात अभी प्रॉपर नहीं है, भाग्य को मजबूत करने के लिए आप निश्चित रूप से प्रयत्नशील होइएगा, भाग्य मजबूत होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। और जो कार्यस्थल के जो हालात हैं नौकरी या कार्यस्थल के जो भी हालात हैं उन हालात को भी सुधारने का प्रयास करिएगा। बुद्ध देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करना आपको लाभदायक होगा और जीवन साथी से साथ की जा रही यात्रा आपको शुभ फल प्रदान कर सकती है, बशर्ते आप उनके क्रोध से बचे रहें। तो यहाँ मैं बात कर रहा था प्रेम संबंधों को लेकर, तो कन्या राशि वाले
लोगों आपके लिए प्रेम संबंधों में रेड कार्पेट बिछी हुई है, यानी खुशियां पसी हुई है, एंजॉय करिए। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्रेम संबंधों को लेकर, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर हमारे साथ एक वीडियो कॉल रखिए, हम आपका हर हालत में मदद करेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की छोटे से उपाय साल में एक दो बार करने होते हैं, उनके द्वारा आपके रूठे हुए साथी को भी मनाएंगे, शादी में आ रही बाधाओं को भी दूर करेंगे, और आपके घर घरवाले भी नहीं मान रहे हैं तो उनको भी मनाने का प्रयास करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा। बात करते हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति, देखिए समय जो चल रहा है वो ये बता रहा है कि आपकी जो भाग्य का ग्रह है वो उल्टा घूम रहा है। फिर भी आपके लिए एक गुड लक चांस हो सकता है नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट सरकार से कोई बेनिफिट। हालांकि सूर्य देवता या नीच के लेकिन सिर पर बैठे हुए राशि में बैठे हुए सूर्य देवता फिर भी अच्छा फल दे जाते हैं, तो इस चांस को मेटलाइज करिएगा। नौकरी से संबंधित कोई भी शुभ सूचना आपको लाभदायी हो सकती है। यहाँ पर परिवारजनों से उलझने का कोई मतलब नहीं उठता, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिए, उनके गुस्से से बचने का प्रयास करिएगा। भाई बहन फुल टू फुल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है। जीवन साथी के अगर आप शादीशुदा हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, कुछ परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ आपके काम धंधे में भी रुकावट आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, अचानक से काम धंधे खराब हो सकते हैं, तो अपने काम धंधों के प्रति बहुत सचेत रहिएगा। अपने राशि की, अपने भाग्य की, अपने कार्यस्थल से संबंधित तो आवंदी से संबंधित रत्न की अंगूठी सदैव धारण करके रखिएगा। बाकी सब चीज़ें तो देख ली जाती हैं। अगर हमारे पास मनोस्तर हमारा मनोबल बहुत ऊँचा हो, हमारा भाग्य अच्छा हो, हम मजबूत हों, हमारी आमदनी हमारा कार्यस्थल मजबूत हो, तो फिर बाकी चीज़ें तो बाकी परेशानियां समय पर निपटाई जा सकती हैं, हल की जा सकती हैं आसानी से। तो साथ ही साथ किसी स्त्री से झगड़ा करने का प्रयास ना करें, विशेष रूप से विधवा स्त्री से। स्त्रियों के ऊपर आपको खर्चा भी करना पड़ सकता है, तो आप सोच समझ कर जो भी करें सोच समझ कर ही फैसला लें। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों को लेकर, तो आपके जो प्रेम संबंध हैं निश्चित रूप से अगर उनमें माता का साथ लेकर अगर चलेंगे, माता से सलाह करके आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमारी मदद लेकर अपने प्रेम संबंधों में आ रही परेशानी को वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके दूर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ धनु राशि वाले व्यक्ति के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, आपका मन मानसिक मनोबल बढ़ चढ़ कर रहेगा। फिर भी अपने तोड़फोड़ वाले क्रोध को नियंत्रण में करने का प्रयास करें, अनावश्यक रूप से क्रोध करना आपके लिए उत्तम नहीं है। और यहाँ पर आपके परिवारजन फुल टू फुल आपकी मदद कर रहे हैं, भाई बहन भी परिवारजनों के साथ मिलकर आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, माता का आशीर्वाद भी आपके साथ फुल टू फुल है, माता के साथ एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। मगर माता से के क्रोध से बचने का अवश्य रीजन ढूंढ लें, उनके क्रोध के पात्र मत बनिएगा वरना आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो माता पिता ध्यान दें, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे करियर बनाएंगे। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ उन निसंतान दंपतियों के बारे में जिनको शादी को कई साल हो गए मगर संतान नहीं है, तो उनसे निवेदन है कि अगर आप डॉक्टर की दवाई खा खा कर थक चुके हैं और कोई लाभ नहीं हो रहा है सालों से, तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आइए, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर जानिए कि क्या भगवान ने आपकी जन्म कुंडली में संतान योग दिया भी है या नहीं, और अगर संतान योग है तो उसे किस प्रकार से मजबूत करें कि आपको आसानी से संतान की प्राप्ति हो सके। तो उसके लिए आप बिना किसी झिझक के हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा। साथ ही साथ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों को लेकर, तो आपके जो प्रेम संबंध है वो बिल्कुल खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने का भरपूर प्रयास करिएगा, वरना आपके प्रेम संबंध प्रेम की जगह क्रोध के भट्टी में बदलने वाले हैं, सावधान रहें। यहाँ पर बात करूंगा आपके जीवन साथी की, तो अपने जीवन साथी की सलाह आमदनी के सिलसिले में तो मानना मत फिलहाल, क्योंकि जब तक ये बुध वक्री रहेगा अगर उनकी सलाह आमदनी के सिलसिले मानेंगे तो आपको आमदनी में लॉस हो सकता है। फिर भी साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा आपका जो भाग्य है वो आपके साथ है, और आपको नौकरी प्रमोशन इंगेजमेंट इंटरव्यू में सफलता की सूचना आने वाले दिनों में देता हुआ नजर आ रहा है, तो शुभ सूचना को ग्रैब करिए, हाथ से न फिसल जाए। कार्यस्थल के हालात अच्छे नहीं होंगे, किसी स्त्री की वजह से प्रॉब्लम आगे खड़ी हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें, कार्यस्थल को ठीक करने का मजबूत करने का प्रयास करें। उनसे संबंधित रतन की अंगूठी पहनना आपके कार्यस्थल पर या व्यापार पर या नौकरी में अच्छा मदद कर सकता है। और यहाँ पर बात करता हूँ मैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों,
आपको मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि आपका मनोबल तो बहुत बड़ा चढ़ चढ़ के है, किंतु फिर भी गलती से भी आप किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करेंगे तो आपको आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करता हूँ, आपके परिवारजन आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, भाई बहनों के साथ कोई यात्रा की संभावना तो बनती नजर आ रही है, मगर मां गुस्से में लाल पीली होंगी, सावधान है, सतर्क है, उनसे बचने का प्रयास करें। वाहन से संबंधित कुछ क्रय करना चाहते हैं तो मुलतवी कर दें फिलहाल, और स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। माता पिता ध्यान दें, उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए और गारंटी से हर साल पहले से ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको मेरे गारंटी वाले उपाय साल में एक बार करने होते हैं, उनको करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। मैं आपका जीवन साथी यहाँ पर निश्चित रूप से आपके भाई बहनों के साथ मिलकर एक यात्रा की बात कर रहा है, मगर उस यात्रा के दौरान मन के दुखी होने की पूरी पूरी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है वो प्रॉपर अपनी जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर उपाय करेंगे तभी लाभ उठा सकते हैं, शादी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और बात करता हूँ भाग्य की, तो यहाँ भाग्य के हालात जो हैं वो आपके अनुकूल नहीं है, भाग्य की वजह से आपको कार्यस्थल पर भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको सदैव अपने भाग्य को प्रबल बनाकर रखना चाहिए। अपने राशि रतन की, अपने भाग्य के रतन की, आमदनी के रतन की और कार्यस्थल से संबंधित रतन की अंगूठी पहनना अत्यंत लाभदायक होगा आपके लिए, सदैव पहन के रखिए। और जीवन साथी से परेशान है तो जीवन साथी के रतन की भी अंगूठी पहनिए, तो फिर देखिए आपकी आपकी जीवन में कैसे निरंतर उन्नति होती रहती है। आपने देखा होगा हमारे देश में बड़े बड़े नेतागण या बड़े बड़े अभिनेता या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, या आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो बहुत सारे लोग इन रत्नों की अंगूठियों को धारण करते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं, मगर ये अंगूठियाँ कि जब मंत्र सिद्ध होती हैं तभी लाभ देती हैं, और इनकी एक सर्टेन उम्र होती है, उपरतन की उम्र 1 साल तक काम करता है, उसके बाद नई अंगूठी बनवानी पड़ती है, और जो असली रतन है वो 3 वर्ष तक कार्य करता है, उसके बाद उसकी नई अंगूठी बनवानी पड़ती है। इसको दोबारा रिचार्ज करने जैसा कोई शब्द नहीं है शब्दावली में, क्योंकि झूठी चीज़ों पर मंत्र पढ़ के इनको दोबारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे किसी गलफत में ना रहें। साथ ही साथ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों में, तो वहां पर उलझनें क्रिएट हो रही हैं, सावधान रहें अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए, उपाय करें तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा आपको प्रेम संबंधों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी परेशानी कोर्ट कचहरी के मसले से, या आपकी झूठी गवाही, या आपकी झूठी किसी की जमानत लेना परेशानी का सबब बना हुआ है, तो ऐसा कोई काम मत करें वरना अनावश्यक खर्चे आपके परेशान करके रख देंगे। अपने आप मनोबल को बढ़ाने के लिए आप शनि भगवान के तांत्रिक बीज मंत्रों की माला, एक मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की माला निरंतर करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। यहाँ पर परिवारजनों के साथ झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, उनके साथ कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, सोच समझ कर यात्रा करें। भाई बहन भी परिवारजनों के साथ मिलकर थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है, उनके साथ भी सावधान रहें, सतर्क रहें। माता के साथ भी कुछ उलझने आती हुई नजर आ रही है, तो आप उनके क्रोध का पात्र मत बनिएगा, माता को जो भी वो चाहती हैं वो करने का प्रयास करिएगा, माता का आशीर्वाद देना ही आपके लिए सफलताई होगा, अपनी बदनामी से बचने का प्रयास करिएगा। और आपका यहाँ पर जीवन साथी, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो आपके जीवन में खुशियां लाएगा, आपके भाग्य को मजबूत करती है, एक नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट या नौकरी के चांस बनाता हुआ नजर आ रहा है, सरकार की तरफ से भी कोई बेनिफिट मिल सकता है, तो आप इस खुशी को ग्रैब करिएगा, हाथ से फिसलने मत दीजिएगा, अनावश्यक बदनामी से बचने का प्रयास करिएगा, अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखिए, बुद्धि का ग्रह आपका ठीक कार्य नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई लिखाई में अगर स्टूडेंट है तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो जो स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आ रही है गारंटी वाले उपाय करके लाभ उठाएं। यहाँ पर कार्यस्थल पर भी निरंतर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ जो स्पष्ट रूप से मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ दुश्मन है आपके जो आपके घर पर भी और कार्यस्थल पर भी आपको परेशान करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करते रहते हैं, तो ऐसे दुश्मनों से सावधान रहिए और उनको कंट्रोल करने के लिए अगर आपको हमारी मदद की जरूरत तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमसे संपर्क करके मदद ले सकते हैं। आमदनी के हालात फिर भी आपके ठीक रहेंगे, फिर भी जितना इनको ठीक करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि आज की डेट में आमदनी जितनी ज्यादा हो खर्चे भी वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं, तो जितनी आमदनी आप इकट्ठा कर सकते हैं करने का प्रयास करिएगा, हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। और बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके प्रेम संबंधों को यहाँ स्पष्ट रूप से हम खराब देख रहे हैं कि कुछ अड़चने
आती हुई नजर आनी, तो अपने प्रेम संबंध को मजबूत करने के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करने ही पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप अपने प्रेम संबंध को मजबूत कर सकते हैं। शादी में हो रही आनाकानी को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं और घर वालों को भी शादी के लिए मना सकते हैं, चाहे आपका घर वाला हो चाहे आपके साथी का घर वाला हो, उनको मनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा। तो इन उपायों के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर बिना किसी झिझक के हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। क्रोध पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, संयम बरतें। अपने परिवारजनों के साथ कोई याता की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, भाई बहनों के साथ उलझन होती हुई नजर आ रही है। परिवारजनों को क्रोधित ना होने दें, बिना वजह उनका क्रोध का सामना ना करें, उनसे बचने का उनके आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। माता के साथ भी उलझन बढ़ सकती है, माता के क्रोध से भी सावधान रहिएगा। जो स्टूडेंट है उनका मन जो है यात्रा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो फोकस करें पढ़ाई लिखाई पर, तभी आप जीवन में कुछ आगे बढ़ने की संभावना बना पाएंगे। जीवन साथी आपके साथ कुछ रोमांटिक होता हुआ नजर आ रहा है, मगर जिनके जीवन में जीवन साथी नहीं है उनके जीवन में अचानक से किसी के प्रवेश करने की संभावना भी दिखाई दे रही है। और नौकरी के हालात जो चांस हैं, जो सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, सावधान रहें। यहाँ पर भाग्य के हालात भी उत्तम नहीं है, भाग्य को मजबूत करिए तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। फिर भी आपके कार्यस्थल या व्यापार जो भी आप कर रहे हैं वहाँ आपको मदद मिलती हुई नजर आ रही है, आपकी आमदनी के हालात ठीक ठाक चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप आसानी से अपनी परेशानियों को दूर कर सकेंगे। फिर भी आप जहाँ जहाँ आपको अड़चन है उन अड़चनों को दूर करने के लिए उनसे संबंधित रत्नों की मन से पाणपत्र जागृत कराकर और विशेष रूप से अपने राशि के रत्न की, अपने भाग्य के रत्न की और अपने जीवन साथी के रत्न की अंगूठी पहनकर आप अपने जीवन में निरंतर तरक्की कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। और बात करेंगे मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो प्रेम संबंधों की वजह से कोई यात्रा की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए, उनको शादी में कन्वर्ट करने के लिए, उनमें आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो प्रिय भक्तगणों आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।